नमस्कार, मैं रीना शर्मा, स्वागत है आपका। बारिश के मौसम में कुछ टिप काम आने वाले हैं, वही आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश के दिनों में मॉइस्चर रहता है हवा में, और इस वजह से जो हमारे आयरन के बर्तन होते हैं लोहे के, उनमें जंग लगना, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगी। हम सबसे पहले इसको साफ़ करने के लिए विनेगर लेंगे। इसकी जगह आप नींबू ले सकते हैं और साथ ही डिश वॉश ले सकते हैं कोई भी, और इसको हम अच्छे से रगड़ेंगे। लोहे के बर्तन खट्टी चीज़ों से बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। इसकी जगह आप नींबू भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी चमक आ जाती है लोहे के बर्तनों में। उसके बाद हम सुखाने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालकर एक टिश्यू पेपर के साथ पोंछ कर रख देंगे। अगला टिप मैं जूतों के लिए देना चाहूँगी। बारिश के मौसम में जूतों में अक्सर स्मेल हो जाती है, खासकर लेदर के जूते तो हमें बहुत संभाल कर रखने पड़ते हैं। जब भी आप जूतों को रखें तो उसमें न्यूज़पेपर डालकर रखें, और एक सिलिका जेल आती है जो हमारी बोटल्स में या बैग में हमें फ्री मिलती है, उसे फेंके ना, वो जूतों में डालकर आप रख सकते हैं। अगला टिप है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी हम लेकर आते हैं तो अक्सर ये जम जाती है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम उसको घोल कर रखेंगे और ऐसे क्यूब्स में उसको डालकर फ्रीज करेंगे, और फिर उसके बाद हम जिपर बैग में डालकर इसको रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप कॉफ़ी पीना चाहें तो ऐसे मिक्सर में डालकर आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टिप है ये। अगली टिप दूंगी मैं डस्टबिन के लिए। बारिशों के मौसम में डस्टबिन में हमेशा स्मेल हो जाती है। पहले तो हम डस्टबिन को डेली वॉश करें, और पॉलीथीन लगाने से पहले हम इसमें नींबू के छिलके जो फेंक देते हैं वो डाल दें। अगर नींबू के छिलके ना हों तो आप इसमें न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, बहुत हद तक इसमें स्मेल नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। बारिश के मौसम में हमारी बुक्स और काफ़ी कागज़ नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, एक कपूर लेंगे और उसको एक कॉटन के कपड़े में या टिश्यू पेपर में डालकर एक दो जगह हम बुक्स के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत अच्छी सी एक खुशबू भी आएगी, और ये कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। बारिश के दिनों में जब भी आप पोछा लगाएं, आप एक से दो ढक्कन डिटॉल की पोछे के पानी में डाल सकते हैं। इससे मच्छर मक्खी काफ़ी हद तक दूर रहेंगे, कीटाणु भी नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया सा टिप है बारिश के दिनों में। तो अगर आपको मेरे ये टिप आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये टिप कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।